चलो बताओ तो, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे, क्या पता है ना। कर रहे थे लास्ट क्लास में? हेलो, कोई दिक्कत किसी को? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने को बनाना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ कुछ बनाने भी दिए थे तुम लोगों को? बन गया सारा? नहीं समझ आ अच्छा, तो वो सब स्ट्रक्चर। ये कौन सा लेक्चर है इसका? सेकंड है, टू ही है ना? चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम लोग को बताने ये बता रहे थे। कौन कौन सा बन गया? सारा बन गया? सिर्फ कौन सा, किसमें प्रॉब्लम था? H3PO4 और किसी में इसके अलावा? H3PO4 के अलावा और किसी में? नो सर। नो सर। तो H3PO4 ये एक्चुअली हेलो हेलो H3PO4 का एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है ना, अभी हम ऐसे ही बता देते हैं, याद रख लेना ऐसे। इसको बनाने के लिए तुम लोग सीखोगे क्लास 11th में। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं, लुईस स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअली देखो, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट के एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो है ना, यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट बनेगा, तीनों में से एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो फॉस्फोरस जो है यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट। तो ये सेंट्रल एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? तो जनरली देखो, ये होता है कि वैसा एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे कम है यहाँ पे, उसको सेंट्रल एलिमेंट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, फॉस्फोरस के नंबर ऑफ एटम्स H3PO4 में क्या है? सबसे कम है। इसमें देखोगे ना, हाइड्रोजन के एटम्स तीन है, ऑक्सीजन के एटम फोर है, फॉस्फोरस के एक ही एटम। ये एक्चुअली कौन सा एसिड है? ये H3PO4 फॉस्फोरिक। सुने होगे ना, या ये तो बताया ही है तुम लोगों को, ये फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें फॉस्फोरस जो है ये हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, मतलब बीच में ये लिखा जाएगा, उसी वही बॉन्ड बना रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, फॉस्फोरस अगर सेंट्रल एलिमेंट है, तो फॉस्फोरस का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तुम लोग। एटॉमिक नंबर कितना होता है फॉस्फोरस का? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा? 2.8.5। हम लोग क्या कर रहे हैं, यही होगा। तो अगर ठीक है, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ? फाइव, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ कौन कौन सा एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन है, वन। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन वन हो गया। और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एट होता है, 2.6। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ये क्या हो गया? एफएक्स हो गया, फोर फोर। अब देखो यहाँ पे, देखो कैसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका अभी बस याद रखो, इसका प्रोसेस सीखोगे। तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा फास्फोरस है, पी बीच में लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब देखो, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुमको? ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? फोर ऑक्सीजन। देखो, चार ऑक्सीजन तो हम लोग यहाँ इसके चारों बगल ऐसे कर दिए, ठीक है। ये चार ऑक्सीजन यहाँ पे सिमेट्रिकली हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे खुद देखो तुम लोग, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन कितना है ये बताओ? तीन है। तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है? एक, एक इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन जो है किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, यस और नो? हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये क्या है, तीन ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन शेयर हो जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन, हेलो, ठीक है।
तो तीन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं ना। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ये बताओ तुम लोग। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, दो का। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फास्फोरस का शेयर कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर कर रहा है। आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। बहुत भयानक बिजली कड़क रहा है यार, रुको एक मिनट। सबसे बन गया। बन गया सबसे। क्या है इसमें, y equal to sin x का इस तरह से है ना। अब इसमें देखेंगे ये वाला जो वही है वो क्या है, जीरो, जहां से ये 2π को क्या करना है, राइटवर्ड शिफ्ट करना है 5/4 यूनिट। हेलो, तो ये 5/2 आ रहा है वो। हाँ चलो यहाँ देखो, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये फास्फोरस के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देख रहे हो ना, एक फास्फोरस के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक फास्फोरस एक हाइड्रोजन। तो हर एक ऑक्सीजन के पास क्या है, दो दो लोन पेयर बचा हुआ है, यस और नो ये बताना तुम लोग। यहाँ पे ये तीन ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे थे, इसके पास दो दो लोन पेयर बचा हुआ होगा या नहीं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यस और नो। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके पास भी तो दो लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे खुद तुम लोग बताओ, अब इस वाले ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, दो इलेक्ट्रॉन का। इस वाले ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ ना। तो दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे ये बताओ, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। Yes or no? तो ये देखो, ये एक्चुअली H3PO4 का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखोगे तो हम लोग सेंट्रल एलिमेंट का, यहाँ पे जब आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तुम लोग को बताए जाएंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्टेट पूरे होने चाहिए, मतलब उसका वैलेंसी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे देखो हमारा फास्फोरस है। अब फास्फोरस क्या हुआ, सारे ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, एक ऑक्सीजन के साथ OH, ये OH और ये OH, तो ये हो गया H3PO4 का स्ट्रक्चर। अभी फिलहाल के लिए इस तरह से याद रख सकते हो, जब बताएंगे आगे क्लास 11th में जब जाओगे या फिर 10th का ही जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सब स्ट्रक्चर कैसे करते हैं हम लोग वो बताया जाएगा, ठीक है, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि याद ही रखना पड़ेगा कंप्लीटली, और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम लोग बना सकते हैं, मतलब एक पैटर्न होता है उसके बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। पैटर्न क्या, वो सिमेट्रिकल बेसिस पे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, वैलेंसी क्या होता है वो सारा चीज पता होना चाहिए। तो ये अभी फिलहाल के लिए ऐसे ध्यान रखो। अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे कितने हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस 3PO4 में, बता सकते हो? हेलो, अच्छा आवाज आ रहा है तुम लोगों को?
सबको कैसे का नेटवर्क इशू नहीं है ना, ये बताओ बन गया? हेलो आवाज आ रहा है या नहीं, जल्दी बोलो क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा है यहाँ। आ रहा है ना? चलो हेलो हाँ चलो इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्ट्रक्चर में H3PO4 में, टोटल गिन के बताना लोन पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल काउंट करके बताओ 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 जल्दी से। हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो आवाज क्या हो रहा है? बीच में घर क्या करे, बहुत तेज बारिश हो रहा है नेटवर्क। रुको एक मिनट, अभी आ रहा है क्या? तो क्या मतलब क्लियर आवाज नहीं आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? अरे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलो क्योंकि पता नहीं चल रहा है मेरे कुछ भी। अर्पित अवेलेबल है दो दो है ना, तो टोटल कितने हो गए, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी जस्ट ऐसे याद रखो, ध्यान रखो कैसे बनता है। ठीक है, हम बाद में ये सब स्ट्रक्चर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होता है क्लास 11th का, उसमें हम लोग डिटेल में ये सारा चीज सीखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब इसको ड्रॉ कर लेना, तुम लोग सर्कल बना के जैसे करते हो वैसे कर लेना, वो हम नहीं बनाए, सर्कल बना के कर सकते हो ना तुम लोग। ठीक है, तो वो सर्कल बस बना लेना, इसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा H3PO4 का स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड। चलो और किसी के स्ट्रक्चर में डाउट था तुम लोगों को? एक्स को चेंज किया गया है, एक्स प्लस टू से यहां एक्स को चेंज। और कोई स्ट्रक्चर था जिसमें डाउट था जो दिए थे तुम लोगों को? कितने स्ट्रक्चर दिए थे? कितने टोटल दिए? सारा बन गया था इसके अलावा? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये चीज अगर हम लोग सीख चुके हैं तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम लोग को ये बताया था ना कार्बन क्यों एक्चुअली शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, रीजन बता दिए थे, क्योंकि कार्बन ना तो C4 कैटायन बना सकता है ना ही C4 एनायन बना सकता है। रीजन ये डिस्कस किए थे हम लोग क्यों ऐसा होता है। ठीक है चलो, अब इसमें से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रोप्स नाम सुने हो तुम लोग? एलोट्रोप्स अगर ये इफेक्ट्स को चेंज किया जा रहा है, चलो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एलोट्रोपी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो है वो एक फेनोमेनन शो करता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलोट्रोपी। एलोट्रोपी एक्चुअली होता क्या है, इसको डिफाइन हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको लिखते जाना तुम लोग साथ में। द फेनोमेनन इन विच द एलिमेंट एक्सिस्ट्स इन, तो क्या हो सकता है, जस्ट सोच करके बताओ, टू और मोर
different physical states तो fx जो graph of with fx देखो इसको सोचने के लिए ये mind में रखना कि y equal to 2 sin x different physical states with y equal to 2 sin x similar y equal to sin chemical properties बस सोचने के लिए तो उससे point याद रहेगा sin x होता है जो minus 1 to 1 होता है ना is known as allotropy is known as allotropy ठीक है दिख रहा है सबको ठीक है तो allotropy एक ऐसा phenomenon है जिसके थ्रू मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है फॉर्म्स बोलने का मतलब कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है उसका अब स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम रहेगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट का वो बना हुआ है ना तो सेम एलिमेंट का बना हुआ है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बन के वेरियस एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो मेनली तीन एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इसके बारे में तुम लोग सुने भी हो गए एक डायमंड होता है एक ग्रेफाइट होता है एक बकमंस्टर फ्लोरेंस होता है सुने हो ये तीनों के बारे में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कार्बन का जो एलोट्रोप्स है सबसे कॉमन एलोट्रोप्स है कार्बन का सबसे कॉमन फॉर्म होता है ये डायमंड होता है तो डायमंड का स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़े हो क्या कैसा होता है स्ट्रक्चर देखे हो बोलो तो किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है डायमंड का कोई बता सकता है डायमंड में हम लोग क्या बोलते हैं हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है 2, 3, 4 कितने से ये बताओ बाकी हेलो आवाज आ रहा है यस और नो बोलो कोई भी तो डायमंड का स्ट्रक्चर बताओ ना तुम लोग डायमंड में क्या होता है हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है 4 कार्बन एटम से ठीक है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है ये जैसे कार्बन है तो ये 4 कार्बन एटम से ऐसे कनेक्टेड है हेलो ठीक है ये हो गया फिर ईच कार्बन एटम ठीक है एक ये तो हो ही गया इसके बाद ये 3 कार्बन एटम से इधर हो गया ठीक है तो ये कुछ इस तरह का सीन होता है ये इधर 3 कार्बन एटम से हो गया यहाँ पे एक कार्बन एटम हम लोग ड्रॉ कर दिए हेलो ठीक है उसी तरह से हम लोग ये कार्बन एटम ले सकते हैं ये 3 कार्बन एटम से लिंक्ड हो गया इधर तो ये कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर चला जाएगा कि हर एक कार्बन एटम तुम देखोगे यहाँ पे कोई भी मिडिल में कार्बन एटम उठा लो वो देखोगे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है मतलब चारों तरफ से अगर हम लोग बात करें तो हर एक कार्बन एटम जो है वो 4-4 बॉन्ड बना रहा है ठीक है तो इसके स्ट्रक्चर को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इन दिस स्ट्रक्चर तो ये कंडीशन आ गया अगर यहाँ पे k बोल दिए तो k जीरो से बन वाले आ जाएंगे ना ईच कार्बन एटम इज श्रिंक हो जाएगा है ना बॉन्डेड टू ग्राफ ऑफ 4 अदर एटम्स 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ठीक है और यही 3D स्ट्रक्चर 3D कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है शेयरिंग हो रहा है तो शेयरिंग होने की वजह से ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स 3D कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है तो जिसकी वजह से ना ये पैकिंग इतना ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा हाईली क्या बोल सकते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से इसका पैकिंग डेंसिटी जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और जिस डेंसिटी हाई होने की वजह से ये बोला जाता है डेंसिटी हाई कैसे हो रहा है कि बहुत
छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गया, और डेंसिटी हाई हो जाने की वजह से ये क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. सुने होगे तुम लोग, यस और नो? हार्डेस्ट सब्सटेंस नो. तो वो इसके पैकिंग की वजह से होता है कि इसमें हर एक कार्बन एटम, हम लोग बोलते हैं कि वो चार चार कार्बन एटम से कनेक्टेड है, और वो चार चार कार्बन एटम से जैसे ही कनेक्ट होता है तो वो एक्चुअली ये 2D स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग 2D में रिप्रेजेंट किए हैं, बट ये 2D में नहीं होता है, 3D में इसको देखना हो, इसका स्ट्रक्चर को देखना, तो 3D में ये ऐसे 2D में रिप्रेजेंटेड नहीं होता है. एक कार्बन एटम जो है आगे की तरफ रहेगा, एक पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है? तो उस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें कि हर एक कार्बन एटम जो है वो चार चार बॉन्ड बना रहे हैं, चार चार बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब चार कार्बन एटम से कनेक्टेड है. क्योंकि हमको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अब चारों इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर लिया है तो इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्या? क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन अगर ये यूज करके बॉन्ड बना रहा है कार्बन एटम से, तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास? यस और नो? नो फ्री इलेक्ट्रॉन. और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एन इंसुलेटर. समझ रहे हो? इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़े हो या नहीं तुम लोग? कंडक्टर उस टाइप के सब्सटेंस को बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. तो कंडक्ट जनरली मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हमारे, है ना? क्योंकि मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? उसमें एक एक्सेप्शन है हमारा, कि एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. कौन सा होता है बता सकते हो? ग्रेफाइट, ठीक है? तो इसी का कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यों इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है. तो डायमंड का स्ट्रक्चर तुम लोग को क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा हाईली, मतलब हाईली डेंस स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, ठीक है? जिसमें कि हर एक कार्बन एटम जो है वो चार चार कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है. तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया हमारा डायमंड का. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, सेकंड है ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये 2D स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, 2D हेक्सागनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है ये 3D में नहीं होता है, ये 2D स्ट्रक्चर है. ये कुछ इस टाइप का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे देखोगे हर एक कार्बन एटम जो है ये तीन तीन कार्बन एटम से कनेक्टेड है इसमें, ठीक है? जैसे डायमंड में देख रहे थे हम लोग क्या था, हर एक कार्बन एटम वो चार चार कार्बन एटम से कनेक्टेड था, यहाँ पे तीन तीन है, ठीक है? एक ये हो गया इस तरह से, ये दूसरा आ गया यहाँ पे, हेक्सागन के फॉर्म में रहता है ये, ठीक है? एक लेयर ये हो गया, उसके बाद हम लोग दूसरा लेयर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा लेयर हो गया दूसरा. यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो तुम लोग, जैसे इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये कुछ इस टाइप का. हेलो, दिख रहा है या नहीं स्क्रीन? जहाँ पे yes, A, yes, yes, दिख रहा है ना सबको? ग्रेटर देन वन है ना, पॉजिटिव भी होना चाहिए और ग्रेटर देन वन.
जीरो से वन वाले कंडीशन भी ले लेंगे। आप देखो इसमें सोच करके बताओ कि क्या हो सकता है। देखो दो ही यहाँ पर, ये देखो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। मतलब हर एक कार्बन एटम जो है हमारा वो तीन तीन कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो एक जैसे ये हेक्सागन बनाए, अब इसको यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हेक्सागन हो गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, इसके बाद ये हमारा एक कार्बन एटम, इसके बाद ये दूसरा कार्बन एटम, ठीक है। तीन तीन कार्बन एटम से तुमको कनेक्ट करना है, एक ये इस टाइप का आ जाएगा हमारा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, हेक्सागन के फॉर्म में लिख लेते हम लोग। तो एक दो तीन चार इधर पे, पांच और ये छह, ये देखो ये इस तरह का एक हेक्सागन ये ऊपर बन गया, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, दूसरा लेयर ये बन गया हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्ट करो, एक ये आ गया यहाँ पे हमारा, ये एक दूसरा लेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेयर, ये एक लेयर हुआ, इसके बाद दूसरा लेयर यहाँ पे इसी तरह का हेक्सागन बनेगा, ठीक है। ये इधर से आ गया हमारा छह कार्बन एटम का, अच्छे से कर लो इसको थोड़ा सा। ये एक हो गया, इसके बाद यहाँ पे दूसरा लेयर हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, इसके बाद ठीक है, तो ये दूसरा लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, इसके नीचे दूसरा लेयर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये सारे आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सारे आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे, ये यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई भी कार्बन एटम अगर तुम उठाओगे, तो कोई भी कार्बन एटम, जैसे बीच वाला कोई कार्बन एटम ले लिए, जैसे ये कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम देखोगे तुम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है बताओ। तो अगर वो जो सर्कल किए हैं कार्बन एटम, वो कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है ये बताओ। थ्री। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, डायमंड के स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस है, कि ग्रेफाइट में हम लोग बोल सकते हैं इन दिस स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, कोई भी तुम ले लो, इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो तीन अदर कार्बन एटम्स, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताओ। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, फोर होते हैं। तो वो तीन ही इलेक्ट्रॉन को यूज करके तीन बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली पड़ा हुआ है ना, यस और नो। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री फॉर्म में ही है ना, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तीन इलेक्ट्रॉन यूज करके ये तीन बॉन्ड तो कर रहा है, बट एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली पड़ा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं कर रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर रीजन पूछा गया तो कैसे बताओगे क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, रीजन क्या है, किसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है बताओ, बता सकते हो। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन एटम। तो हर एक कार्बन एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा या नहीं ये बताओ, क्योंकि वो कोई भी कार्बन एटम यहाँ पे उठाओगे ग्राफाइट का, तो वो तीन तीन कार्बन एटम से ही बॉन्डेड है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका तो आसानी से फ्री दिख ही रहा है हमको, क्योंकि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक यूज नहीं कर रहा है, ये बॉन्डिंग में यूज नहीं कर रहा है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है।
तो एक ये हो गया। इसके बाद एक और चीज बोला जाता है कि ग्रेफाइट जो है ना, ये है, ये लुब्रिकेंट के तरह यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ये बता सकते हो क्यों लुब्रिकेटिंग एजेंट के तरह इसको क्यों यूज करते हैं हम लोग, बताओ कोई भी दिव्यांगी, बताओ व्हाई इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट। बोलो ये आता है तुम लोगों को, कोई बता सकते हो यस और नो, नहीं तो हम बताएंगे। ये कौन सा नंबर था, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर में। हेलो अर्पित, बता बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम बता चुके हैं कि ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर तो सबको समझ आ गया, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 2D हेक्सागनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागन के फॉर्म में रहता है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक लेयर, ये मान लो ये लेयर वन है हमारा और इसके ऊपर ये लेयर टू है, मतलब ये नीचे है ऐसे नीचे ले, फिर लेयर टू के नीचे जाए हुए लेयर थ्री मिलेगा, तो इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है ना कि एक लेयर जो है ना वो दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप कर सकता है, ठीक है। जैसे वाटर का, जैसे कोई भी फ्लूइड अगर लोगे लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में भी कुछ ऐसी टाइप का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हम लोग लिक्विड, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ना लिक्विड फ्लो करते हैं, तो कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें ऐसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है, ये उस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से वो क्या होता है कि वो एक लेयर जो है ना वो दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करते जाता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। उसी तरह यहाँ भी है ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा कि पहला लेयर जो है वो दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर सकता है, दूसरा तीसरे के ऊपर स्लिप कर सकता है, तो इसी की वजह से जो है ये स्लिपरी नेचर का हो जाता है, और स्लिपरी नेचर होने की वजह से क्या होता है इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। समझ रहे हो बात, यस और नो? तो यहाँ रीजन लिख सकते हो, इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट Due to its hexagonal layered structure, because of which each layer can 2π, 4π slip over the other layer. Thus, giving it 2π, a 3π, 4π, 5π, 6π. अब देखो साइन स्लीपरी, स्लीपरी हम लोग बोल सकते हैं 0 to 5 पे, इट मींस जो स्लीपरी नेचर, ठीक है, और ऐसे स्लिपरी नेचर की वजह से क्या होता है ये लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। तो दोनों रीजन ये पूछा जाता है कि एक तो ये पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, वो भी उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही होता है, और ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज कर सकते हैं, वो भी इसके स्ट्रक्चर की वजह से ही एक्सप्लेन करते हैं। चलो तो देख लो एक बार, ये दोनों रीजन तुम लोग लिख पाओगे ना अपने से, रीजन तो क्लियर है दोनों? Yes, sir. तो पहला हम लोग देखे एलोट्रोप ऑफ कार्बन में, सबसे पहला स्ट्रक्चर था डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो 3D कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, 3D के फॉर्म में रहता है, उसमें हर एक कार्बन एटम जो है वो चार चार कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो वहां पे स्ट्रक्चर जो होगा वो हाईली डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, बिकॉज वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, क्योंकि कार्बन के जितने भी चार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन का यूज करके वो बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन एटम के साथ। ग्रेफाइट में क्या है कि ये 2D स्ट्रक्चर होता है, डायमंड की तरह 3D नहीं है, ये 2D है और हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें कि हर एक कार्बन एटम जो है वो तीन तीन कार्बन एटम से अटैच्ड है, और एक ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर, फिर उसके नीचे तीसरा लेयर, तो एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप कर सकता है, जिसकी वजह से उसमें स्लिपरी नेचर आता है, और उसी स्लिपरी नेचर की वजह से उसको हम लोग लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। तो
दोनों स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया ना, जैसे तुमको बोलेगा डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करो, तो लिख लोगे दो तीन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बता सकते हो यानी डायमंड और ग्रेफाइट में। चलो अब एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि डायमंड जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया एलोट्रोप ग्रेफाइट। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं टेक द रिफ्लेक्शन, तीसरा है और मिरर इमेज बकमिंस्टर फुलेरन। ये सुने हो तुम लोग? ये बताओ क्या होता है ये बकमिंस्टर फुलेरन? बोलो बोलो जल्दी से। अब इसमें देखो बकमिंस्टर फुलेरन क्या होता है? C60 ठीक है, ये एक्चुअली देखो बकमिंस्टर जो था ना एक आर्किटेक्ट था, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर एक बनाया था, वो उसको फुटबॉल के शेप का एक वो डोम बनाया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था फुटबॉल के शेप का। तो जब बकमिंस्टर ये फुलेरन, एक्चुअली ये फुलेरन है, फुलेरन उसको बोला जाता है जो C60 होता है, कार्बन का 60 एटम्स का एक देखा गया था स्ट्रक्चर, 60 कार्बन एटम्स मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉकर बॉल का स्ट्रक्चर देखो, फुटबॉल का जो बॉल होता है देखे हो ना, उसमें बिल्कुल उसी टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, उसी टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाया था बकमिंस्टर, जो की आर्किटेक्ट का नेम था, तो उसी के नेम के ऊपर, क्योंकि इसका जो C60 का अपीयरेंस था बिल्कुल वो जैसा स्ट्रक्चर एक बनाया था उसी से रिसेंबल कर रहा था, तो उसी के नेम पे ये रखा गया है बकमिंस्टर फुलेरन। ठीक है, तो बकमिंस्टर जो है वो आर्किटेक्ट के नेम पे रखा गया है, तो बकमिंस्टर फुलेरन। तो इसमें एक्चुअली ये भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जिसमें की क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम जो है वो ज्वाइंट टूगेदर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन एलोट्रोप, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेरिकल मॉलिक्यूल। जनरली वो स्पेयर की तरह ही होता है, ठीक है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, सॉकर बॉल की तरह ही होता है, जस्ट सॉकर बॉल का जैसा अपीयरेंस होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसमें 60 कार्बन एटम्स है और ये 60 कार्बन एटम्स जो होते हैं ना ये अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 60 कार्बन एटम्स जो होते हैं अरेंज्ड इन द फॉर्म का बॉल अच्छे से देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हेक्सागन्स और पेंटागन्स के पैटर्न में वो बना हुआ रहता है, देखे हो तुम लोग ध्यान से, उसमें देखोगे तो हेक्सागन और पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा, देखे हो अच्छे से ऑब्जर्व किए हो सॉकर का बॉल? तो उसमें हेक्सागन और पेंटागन बना हुआ दिखता है, तो उसी टाइप का ये C60 का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा है, उसमें कुछ जो है हेक्सागन्स के फॉर्म में रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो पेंटागन्स के फॉर्म में होते हैं। तो नंबर बता सकते हो कितने नंबर ऑफ हेक्सागन्स होते हैं और कितने नंबर ऑफ पेंटागन्स होते हैं? कोई भी नंबर ऑफ हेक्सागन्स एंड नंबर ऑफ पेंटागन्स कोई भी बता सकता है? यस और नो? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जैसे तुम लोग साइंस ओलंपियाड्स देते होगे उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ हेक्सागन्स एंड नंबर ऑफ पेंटागन्स ये पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना 20 हेक्सागन्स होते हैं और पेंटागन्स कितने होते हैं? 12 पेंटागन्स। याद रहेगा ये तुम लोगों को 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स, ये हमेशा ध्यान रखना। C60 कार्बन एटम्स का जो एक
स्ट्रक्चर है, एलोट्रोप है कार्बन का, बकमन शेफलरन, उसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने होते हैं 12 और नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होते हैं 20। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये एक्चुअली क्या होता है, इसका अगर पूछा जाएगा तो ये डार्क सॉलिड के फॉर्म में रहता है, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे देखोगे ये पूरा डार्क फॉर्म में रहता है, ठीक है, डार्क सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डार्क स्ट्रक्चर रहता है, डार्क स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। तो ये इसका बिहेवियर है। ये तीन एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, मेनली मेन एलोट्रोप्स जो है यही तीनों है। तो इन सबके स्ट्रक्चर को बस ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है तीनों में ये याद रखना है, एटलीस्ट पूछा जाता है इन तीनों से क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने बोला जाएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो ये तीनों को तुमको एक्सप्लेन करके इनके स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर कैसा होता है वो एक्सप्लेन करना होगा, फिर इनका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट उसके बारे में लिख देना बस। तो ये बात समझ में आ गया, तीनों एलोट्रोप्स लिख चुके हो तीनों के बारे में तुम लोग, देख लो। तो जो 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 इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लिए। जैसे ग्राफाइट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, लुब्रिकेंट क्यों किस लिए यूज किया जाता है वो भी बता सकते हो तुम लोग, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है वो भी बता सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बकमंस्टर फॉलरन में कितने हेक्सागन कितने पेंटागन होते हैं ये सब याद रखना। फिर डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड क्यों वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो सारा चीज अब आराम से तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। यस और नो? यस सर। चलो तो इतना फटाफट नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख चुके हो ये तीनों? यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है ना वो किसी भी एटम के साथ, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है। कार्बन का कंपाउंड्स अगर तुम देखोगे, ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन के साथ तो है ही, तो कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो इसलिए कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम्स के साथ ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो क्यों होता है, कार्बन आसानी से बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे कि इतना वर्सेटाइल क्यों है कार्बन का नेचर। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये होमवर्क। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो ये मेनली दो वजह से होता है। ठीक है, कार्बन जो है इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा कंपाउंड्स एक एक करके हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ये कार्बन के कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं, इसका मेनली दो रीजन की वजह से होता है। पहला होता है कैटेनेशन। ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कैटेनेशन होता है, और दूसरा होता है कार्बन का टेट्रावेलेंट नेचर। कैटेनेशन तुम लोग सुने हो ये टर्म कैटेनेशन, ये बताओ तो। हेलो, कैटेनेशन ये टर्म सुने हो तुम लोग? कैटेनेशन हम लोग बोलते हैं ना, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी एटम का, जिस प्रॉपर्टी के हेल्प से वो खुद के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, अगर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली, कार्बन एटम के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, एफएक्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ग्रेटर देन जीरो branched also and less than zero rings of different sizes, if fx greater than zero is tarah se samajh sakte ho, different sizes agar fx positive is known as catenation, okay
अगर fx का वैल्यू इज नोन एज कैटेनेशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। कैटेनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पे कार्बन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, कि कोई भी एटम जो है ना वो खुद के एटम के साथ कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स आसानी से बना सकता है। और बॉन्ड जैसे बनेगा सेम एलिमेंट के साथ, अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसमें देखोगे बॉन्ड अलग अलग टाइप का, बॉन्ड बनने से जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो देखोगे स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकता है, रिंग्स भी हो सकता है, ठीक है, ये इस टाइप का। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का बात कर रहे हैं तो कार्बन यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बना सकता है। तो जैसे ये स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर है, इसी तरह से इसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर, मतलब जैसे यहाँ पे एक ऐसा डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बात? ये हो गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन हो गया ये वाला, देख रहा हो ना, क्योंकि स्ट्रेट चेन में एक ऐसे ब्रांचेस निकल गया है, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम हो गया, इधर एक कार्बन एटम हो गया, इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। समझ रहा हो बात? बिलो द एक्स एक्सिस उसका क्या करना, इमेज कैसे। और इसी तरह ये कार्बन जो है रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ये इस तरह से रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं। जैसे ये है, जैसे ये देख रहे हो, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, ये हेक्सागन, ये रिंग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग, तो हेक्सागन के फॉर्म में। तो कार्बन जो है ना, ये कार्बन के साथ ही इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, और उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का अपने अपने ही एटम के साथ लिंक करके वो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो बना सकता है, उसी प्रॉपर्टी को या उसी टेंडेंसी को बोला जाता है कैटेनेशन। अब एक्चुअली में रीजन ये है कि कार्बन क्यों इतना ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, तो पहला इसमें रीजन ये होता है कि कार्बन का साइज जो होता है ना वो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। तो साइज जितना छोटा होगा एटम का, वो दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करना उतना आसान हो जाता है, क्योंकि साइज जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होते जाएगा ना, तो उसका बॉन्ड बनाना उसको डिफिकल्ट होता है। ये चीज ध्यान देना, जितना छोटा साइज का एटम रहेगा उसको बॉन्ड करना उतना आसान रहता है, उसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना उतना उसके लिए आसान रहता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक साइज है ना, ये रिलेटिवली अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हम लोग बात करते हैं छोटा साइज होता है, उसी छोटे साइज का ये फायदा उठा के ये क्या करता है, खुद के एटम के साथ ये ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स डेवलप कर सकता है। तो स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम, पहला तो ये रीजन होता है कि इतना ज्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी क्यों ये शो करता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। समझ रहे हो बात? कि जैसे मान लो कार्बन खुद के कार्बन एटम से अगर लिंक हुआ, तो एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डेवलप हुआ या नहीं, बोलो, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है ना। जैसे यहाँ देखो, ये कार्बन जो है अगर दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक हुआ तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड, यस और नो? यस सर। तो ये जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है ना, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि वो जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है ना, बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ना, उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हाई होता है, इसलिए जो है कार्बन आसानी से कार्बन एटम के साथ कनेक्ट करके या लिंक होके आसानी से वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जैसे ही वो बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हाई है कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी होगा ना, या जो कंपाउंड बना है उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो है कार्बन जो है खुद के एटम के साथ आसानी से ये बॉन्डिंग करके बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ये बना सकता है। तो दो रीजन होते हैं कार्बन के कैटेनेशन टेंडेंसी को सपोर्ट करने के लिए। पहला रीजन ये होता है कि स्मॉलर साइज ऑफ द कार्बन एटम, जितना छोटा साइज होगा उसको बॉन्ड करना या बॉन्ड बनाना उतना आसान हो जाता है। तो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम की वजह से क्या होता है, वो आसानी से इजिली दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो पहला रीजन ये हो गया।
सेकंड रीजन कि ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाने के बाद जो जो बॉन्ड का हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे वो लिंक हुआ दूसरे कार्बन एटम के साथ, तो वहां पे जो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसलिए जो है कार्बन आसानी से, क्योंकि हर कोई एटम क्या करेगा, क्या चाहता है कि हम बॉन्ड बना के स्टेबल ही तो होना चाहता है ना, बॉन्डिंग करने का जरूरत क्यों पड़ता है, स्टेबिलिटी की वजह से ही कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है, वो स्टेबिलिटी की वजह से ही करता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग करने के बाद उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होगा उसका, होगा या नहीं ये बताओ तुम लोग खुद ही। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का, बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, खुद बताओ। तो इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि कार्बन जो है इतना ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ये दो रीजन होते हैं, ये दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहला जो कार्बन का इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो पाया जाता है, तो पहला रीजन तो ये है इसके कैटेनेशन टेंडेंसी की वजह से, ठीक है, और दूसरा होता है टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से। टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है ये बता सकते हो कोई? टेट्रावेलेंट नेचर नाम से ही पता चल रहा होगा, टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है बताओ। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंट नेचर? कार्बन का जो वैलेंसी होता है ना, कितना वैलेंसी होता है? वैलेंसी ऑफ फोर। टेट्रावेलेंट बोल रहा है ना, मतलब इसका वैलेंसी कितना है। टेट्रा किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फोर के लिए, यस और नो? तो टेट्रावेलेंट बोल रहे हैं, तो कार्बन का वैलेंसी जो है फोर है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमको पता है कि चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, हम लोग बोल सकते हैं इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ फोर अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या तो ये कार्बन के ही चार अदर एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकता है और सम अदर हेट्रो एटम्स, ठीक है, some other hetero atoms with single covalent bond, as well as double or triple bond, ठीक है। तो कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट नेचर का होता है, इसका वैलेंसी फोर होता है, आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम ये चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, या फिर कार्बन के अलावा दूसरे एटम के साथ भी ये बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सभी एटम के साथ भी ये बॉन्डिंग कर सकता है। और ये जो कार्बन बॉन्ड बनाता है ना, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो बना ही सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, तो इन तीनों में से कोई भी बॉन्डिंग ये बना सकता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन जो है ना अदर एलिमेंट के एटम्स के साथ या फिर कार्बन एटम्स के साथ ही सिंगल डबल और ट्रिपल कोई भी टाइप का कोवेलेंट बॉन्डिंग आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है ना चार चार इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्डिंग बना सकता है ये, ठीक है। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह का देख रहे हैं, कार्बन कार्बन और मान लो यहाँ पे क्लोरीन आ गया और बाकी जो है यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन से हम लोग भर दिए, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, एक बॉन्ड तो इधर एक कार्बन से बना हुआ है, बाकी जो बचा तीन बॉन्ड है इसका वो हाइड्रोजन से भर गया, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया, देखो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है सिंगल और क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे तुमको, यस और नो? तो देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन के साथ भी बना रहा है, यहाँ पे सारे तो सिंगल बॉन्ड है, इसी तरह ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे मान लो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन दे दिया, सी डबल बॉन्ड हो, एक एच हो गया, और ये कार्बन एटम देखो अब यहाँ इधर तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन चुका है, अब इसके कितने बॉन्डिंग खाली है, तीन बॉन्ड, तो इन तीनों जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया।
देख रहे हो यहाँ पे कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है ना। तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बना है, और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे देख रहे हो ये कार्बन जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग बना रहा है। यस और नो? यस सर। तो ये होता है, इसको हम लोग टेट्रावेलेंट नेचर बोलते हैं कार्बन का, कि कार्बन जो है मैक्सिमम वैलेंसी 4 का शो कर सकता है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो हर एक कार्बन एटम का हम लोग 4 बॉन्डिंग, ये मतलब 4 वैलेंसीज का सेटिस्फाई कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो एक ये हाइड्रोजन से, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और इधर एक कार्बन के साथ। तो हर एक कार्बन एटम यहाँ पे देखो 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं ना सबका। ये वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तुम, ये वाले स्ट्रक्चर में कार्बन का 4 बॉन्ड कैसे बना है, तो यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन में अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो इधर हो गया और बाकी जो 2 बॉन्ड बच गया वो इस कार्बन के साथ, सॉरी इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो 4 वैलेंसी फुलफिल हुआ या नहीं कार्बन का। तो उसी तरह यहाँ भी देख लो, नाइट्रोजन के साथ तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, एक वैलेंसी बचा तो इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टेट्रावेलेंट नेचर। तो इसी टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से और कैटेनेशन टेंडेंसी की वजह से कार्बन जो है इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसलिए कार्बन के इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इतना ज्यादा कार्बन के प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं, यही दोनों रीजन होता है, कैटेनेशन टेंडेंसी और टेट्रावेलेंट नेचर, ठीक है। चलो तो फटाफट इसको तुम लोग नोट कर लो ये दोनों रीजन। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे ना, हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम लोग बेसिक सब चीज डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। कितने डिफरेंट हाइड्रोकार्बन समझते हो तुम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है मेनली, उसमें मेन जो एलिमेंट्स होंगे कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसके अलावा कुछ कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, लेकिन मेन जो कंस्टिट्यूएंट होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसलिए उसका नाम हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप का बॉन्डिंग है, उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, वो सारा चीज हम लोग बेसिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है एकदम, वो सारा चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो अभी फिलहाल देख लो तुम लोग इसमें जितना भी आज बताएं, कोई डाउट है इसमें, सारा नोट डाउन कर चुके हो सब लोग? यस सर। समझ आया कि नहीं जितना बताएं आज, देख लो आकाश, पुष्कर, कुछ पूछना है तुम लोगों को इसमें? नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग नेम लिखते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वो सारा चीज भी हम लोग को स्टार्ट करना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो सब पढ़ने में मजा आएगा तुम लोग को। अभी तक किए हो नोमेनक्लेचर करना, सीखे हो अभी तक? ये बताओ। हाँ तो वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कि अगर बहुत लंबा स्ट्रक्चर सब दिया रहेगा उसमें कार्बन का, ठीक है, तो उसमें हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं उसका। IUPAC एक केमिस्ट्री का यहाँ पे कमेटी होता है, इंटरनेशनल कमेटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स वो फ्रेम करता है, ठीक है, केमिस्ट्री में जितना भी रूल्स होता है वो सारा IUPAC ही फ्रेम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसी के बेसिस पे हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग ये चैप्टर का जितना आज बता चुके हैं हम लोग, उतना तुम लोग एक बार NCERT से रिवाइज कर लेना, NCERT से रीड कर लेना, ठीक है, इसमें जो फाइनली जो आएगा इतना कर लोगे? टेक द यस सर। ओके
ठीक है, तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेमिंग लिखना सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का कैसे हम लोग नाम लिखते हैं, वो सारा चीज अगले क्लास में. ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? आज जितना चीज बताएं इससे रिलेटेड बताओ, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड जितना बताएं आज? यस और नो? है ना, इसमें चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करें आगे. यस सर. चलो चलो फिर, ठीक है, एंड कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में करते हैं.